हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार डीएस स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे समाकलन। समाकलन कक्षा बारहवीं का सेकंड मैथ, मैथ नंबर 2, जिसका अंग्रेजी होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल्स, ठीक है। समाकलन क्या होता है? समाकलन का अर्थ होता है संकलन करना। अर्थ होता है संकलन करना, संकलन करना अर्थात जोड़ना, अर्थात जोड़ना, ठीक है मित्र। समाकलन का अर्थ क्या होता है? संकलन करना अर्थात जोड़ना। समाकलन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनिश्चित और एक होता है निश्चित। अनिश्चित और एक प्रकार निश्चित होता है, इनफाइनाइट यानी कि इंडिफिनिट और एक डिफिनिट, इंडिफिनिट और एक डिफिनिट। इसका संकेत इस प्रकार से बनाता है समाकलन का, इसका संकेत समाकलन इस प्रकार, इसका कोई अपर लोअर नहीं है, इसका अपर लोअर निश्चित रहता है, अपर लोअर निश्चित रहने पर एक सी जो है मान में जो होता है सी, ये बताता है कि जो है समाकलन अनिश्चित होता है, इसका मान निकल भी कुछ भी सकता है। यहाँ अपर लोअर दिया रहता है, देखिए यहाँ पर इसको लोअर पार्ट कहता है और इसको अपर लिमिट कहता है, ये दब दिया रहेगा तो इससे आप निश्चित समझना यानी कि डिफिनिट समझेगा, इस आपका इनडिफिनिट होता है, ठीक है। यानी कि आप इंटीग्रल का साइन है आपका, इसमें कोई लोअर अपर नहीं है तो यहाँ सी जोड़ते हैं इस मान के लिए, यहाँ लोअर अपर दोनों दिया रहेगा तो ये निश्चित हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग सूत्र देखेंगे, सूत्र कितने होते हैं, तो इसके बहुत सूत्र होते हैं लेकिन कुछ सूत्रों का आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए इंटीग्रल के सूत्रों को कवर करेंगे, यानी कि आपका अगर डी एक्स दिया रहे तो इसका एक्स जोड़ सी होता है सूत्र, ठीक है। डी एक्स दिया रहे तो एक्स जोड़ सी होता है। अगर यही मित्रों ई के पावर एक्स डी एक्स रहे तो इसका भी ई के पावर एक्स जोड़ सी होता है सूत्र, ठीक है मित्रों, ठीक है। अगर एक्स के पावर एन दिया रहे, डी एक्स दिया रहे तो इसका मित्रों सूत्र होता है एक्स प्लस एक्स के पावर एन प्लस वन और बटा एन प्लस वन आ जोड़ सी। समझिए अगर ऐसे हम क्यों जोड़ रहे हैं कि उसका मान अनिश्चित होता है, इसका कोई लोअर अपर दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें सी जो है ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही आपको जीरो का इंटीग्रल निकालने के लिए दे दिया जाए तो मित्रों जीरो अचर पद होता है, डी एक्स आएगा तो यानी कि आपका जीरो पूरे एक्स अजोड़ सी होगा, यानी कि जीरो अजोड़ सी इसका इंटीग्रल होगा, ठीक है। और हम लोग बात करें सूत्रों की तो और भी सूत्र हैं। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? साइन थीटा यानी कि साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा मित्रों? तो इसका इंटीग्रल होता है मित्रों माइनस कॉस एक्स जोड़ सी होता है, ठीक है, कॉस एक्स जोड़ सी होता है। आइए फिर हम इसको बनाते हैं और सूत्रों को देखते हैं। इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है? तो इसका मित्रों होता है साइन एक्स जोड़ सी, ठीक है। इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या होता है? तो सेक एक्स जोड़ सी होता है मित्रों। इंटीग्रल कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है? तो कॉसेक एक्स जोड़ सी होता है मित्रों, ठीक है। टेन एक्स का भी इंटीग्रल होता है, ठीक है, टेन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा मित्रों? तो लॉग मोड साइन एक्स होता है, जोड़ सी यहाँ पर जोड़ते हैं। और सूत्रों की बात करें
और भी मित्र होता है, और आपका बात करें वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मित्रों, तो ये आपका होता है साइन इनवर्स एक्स आई जोड़ सी, और सूत्र हम लोग लिखें ठीक है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं इंटीग्रल वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस में यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है ठीक है। और भी हम लोग इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखें तो एक बटा अंडर रूट वन प्लस सॉरी एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका होता है टेन इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है ठीक है, टेन इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है। और बात हम लोग लिखें तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स जोड़ सी ठीक है। और हम लोग बात करें एक बटा अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन तो इसका होता है सेक इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है ठीक है मित्रों। और बात करें तो एक बटा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन तो माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है। आज हम लोग इतना ही सूत्रों का अध्ययन करेंगे, इस पर जो आपका पहला चैप्टर जो है बन जाएगा मैथ टू जो है क्लास बारहवीं का इंटीग्रल नाम का जो चैप्टर है वो आपका पहला चैप्टर इस पर मित्रों सॉल्व हो जाएगा। आइए हम आपको रिपीट करा दे रहे हैं ठीक है। समाकलन क्लास बारह गणित टू यानी मैथ टू का इसका अंग्रेजी होता है इंटीग्रल। समाकलन का अर्थ क्या होता है मित्रों, संकलन करना अर्थात जोड़ना, अर्थात जोड़ना ठीक है। इसके सूत्रों के द्वारा हम लोग इसको हल करते हैं, देखिए डी एक्स बराबर क्या होगा एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा तो ई एक्स प्लस सी, इंटीग्रल एक्स के बड़े डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स एन प्लस वन बटा एन प्लस वन जोड़ सी ठीक है। जीरो डॉट डी एक्स बराबर क्या होगा तो जीरो अचर पद है मित्रों डी एक्स, तो डी एक्स का यहाँ फॉर्मूला एक्स जोड़ सी तो एक्स में जीरो से गुणा करें यानी कि जीरो जोड़ सी होता है। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स जोड़ सी होता है, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है साइन एक्स जोड़ सी होता है ठीक है। इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या होता है तो मित्रों सेक एक्स जोड़ सी होता है, इंटीग्रल कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है मित्रों तो माइनस कॉसेक एक्स जोड़ सी होता है, इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स जोड़ सी होता है, कॉट एक्स डी एक्स मित्रों क्या होता है तो लॉग मोड साइन एक्स जोड़ सी होता है। इसी प्रकार से अंडर रूट इंटीग्रल वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है, उसी प्रकार से इंटीग्रल वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है, इंटीग्रल वन बाई अंडर रूट सॉरी अंडर रूट नहीं वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन एक्स एक्स जोड़ सी होता है, इंटीग्रल वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है, इंटीग्रल वन बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर सेक इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है, इंटीग्रल वन बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ सी होता है ठीक है। इसी पर आप जो है इसमें पहला अध्याय जो आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। आइए आपको हम सवाल एक सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिए जैसे आपका ये सवाल दिया है ठीक ना, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकाले, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा तो मित्रों इसका हम लोग हल करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले लेट आई बराबर मान लेते हैं इंटीग्रल शामिल कर लीजिए डी एक्स हो गया, तो इसके सूत्र पर अभी हमने बताया आपको इंटीग्रल एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर एक्स एन प्लस वन जोड़ सी ठीक है। तो देखिए यहीं पर आई बराबर उसी सूत्र बनाइए, एक्स उतारना है आपको, देखिए सूत्र डायरेक्ट आपको लेना एक्स उतारना है एन, एन के स्थान पर क्या है मित्रों दो है, तो यहाँ दो आपको पुट कर देना है दो प्लस एक, एन के स्थान पर मित्रों क्या है दो प्लस एक आई जोड़ सी ठीक है, तो एक्स के वैल्यू यहाँ दो गए तीन बटा तीन आई जोड़ सी एंसर, इसी प्रकार से इंटीग्रल को बनाया जाता है ठीक है मित्रों। इसके अगले वाले वीडियो मिलते हैं तो आपको हम 9.1 का जो है पहला चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद दोस्तों।